बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक तरीका होता है। क्या KGF और पुष्पा जैसी फिल्मों को टक्कर दे पाएगी गॉडफादर? क्या भाईजान का कैमियो दिला पाएगा फिल्म को सक्सेस? कौन करेगा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं बॉलीगार्ड स्टूडियोज। आप सभी का बॉलीगार्ड स्टूडियोज की हमारी इस नई वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में हमें कई तरह का और कई भाषा का सिनेमा देखने को मिलता है, और जब से लोग हर फिल्म की कहानी से पसंद करने लगे हैं तब से हमें ज़्यादातर फिल्में पैन इंडिया बनती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में बात करें साउथ की एक और गैंगस्टर फिल्म गॉडफादर की, तो इसकी भी हमें रिलीज़ कई लैंग्वेज में देखने को मिल सकती है। वैसे बता दें, इससे पहले साउथ से हमें KGF और पुष्पा जैसी गैंगस्टर फिल्म देखने को मिल चुकी है जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिला कर रख दिया था। पर बात करें गॉडफादर की, तो अब तक हमें इस फिल्म से रिलेटेड इतना क्रेज लोगों में देखने को नहीं मिला था, पर जब से फिल्म में बॉलीवुड दबंग खान की एंट्री की बात सामने आई है तब से लोगों में इसका उत्साह देखने को ज़रूर मिला है। ऐसे में फिल्म गॉडफादर भी हमें पुष्पा और KGF जैसी फिल्मों की कैटेगरी में दिखाई दे सकती है, और इसका थोड़ा सा क्रेडिट जाता है भाईजान को, क्योंकि भाईजान से पहले फिल्म को लेकर ज़रा भी क्रेज़ लोगों में नहीं था, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी मलयालम में बन चुकी है जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। पर अब लगता है तेलुगु इंडस्ट्री हमें एक और नई गैंगस्टर फिल्म दे सकती है। अगर आप भी ऐसे ही पाना चाहते हैं सिनेमा में क्रेडिट, तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, पर्दे पर दिखाई देने वाले कलाकार से ज़्यादा कोई मेहनत करता है तो वो होता है उस सीन को और भी अच्छे से शूट करने वाला सिनेमाटोग्राफर, जो अपने स्किल से मरे हुए सीन्स में भी जान डाल देता है। पर कई बार इसका उल्टा होता हुआ भी हमें देखने को मिलता है, जहां सीन्स तो अच्छा होता है पर उसका शॉट गलत ढंग से लिया गया होता है। ऐसे में एक फिल्म की शूटिंग में सबसे ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी पर ध्यान देना होता है। ऐसे में बात करें फिल्म गॉडफादर की सिनेमेटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा उठाया है नीरव शाह ने, जो इससे पहले साउथ की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी सिनेमेटोग्राफी दिखा चुके हैं। ऐसे में फिल्म के पहले लुक में भी हमें काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक शॉट देखने को मिले थे, जिसके देखते हुए फिल्म में एक अच्छी सिनेमेटोग्राफी हमको देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या फिल्म बना पाएगी KGF जितना अपना नाम? कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।